केम छो बदा। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल हमको कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एन कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल एक्स इज अ गिवन बाय। यहाँ पे हमको एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। ए एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 < x < 1 हो, ए जब एक्स की वैल्यू 1 > x < 2 हो, उसके बाद दिया हुआ है 3a - ax जब एक्स की वैल्यू 2 > x < 3 हो। यानी कि हमको एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 तक दी हुई है और अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सबसे पहले तो इस इक्वेशन में हमको फाइंड करना है ए की वैल्यू, उसके बाद हमको फाइंड करना है सी डी एफ ऑफ एक्स। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फाइंड करेंगे यानी कि ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू के लिए हमको पता है कि हमको गिवन फंक्शन कौन सा है। हमको गिवन फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, उसकी वैल्यू होगी 1। अब हम क्या करेंगे, हमको जो भी लिमिट के लिए दिया हुआ है उसके लिए हम रख देंगे। यानी कि सबसे पहले आएगा तो -∞ to ∞ के लिए ही आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 0। उसके बाद हमको लिमिट दी हुई है सबसे पहली तो 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद है 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद है प्लस 2 to 3 इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। सारे के सारे फंक्शन की वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स फंक्शन की, इसकी वैल्यू है a और इसकी वैल्यू है 3a - ax। उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो रख देते हैं फंक्शन में वैल्यू, सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 to 1 ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 3a - ax डी एक्स इज इक्वल टू 1। सबका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, लिमिट रख देते हैं 0 to 1 प्लस ए कॉमन है बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा एक्स यानी 1 to 2 लिमिट, 3a का होगा 3ax - ax का होगा ax² / 2, लिमिट रख देते हैं 2 to 3। सबकी वैल्यू लिमिट में पुट कर देते तो हमको आंसर मिलेगा a कॉमन है 1/2 - 0 प्लस a 2 - 1, यहाँ पे आ जाएगा 9a - 9a/2 - 6a - 2a इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा फाइनल आंसर में कैसे, 1/2a प्लस ए प्लस 9a/2 - 4a इज इक्वल टू 1, 2 हो जाएगा यानी a प्लस 2a प्लस 9a - 8a/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 + 2 + 9 = 12, 12 - 8 = 4a/2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमको मिल गई 1/2। अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे फंक्शन में, तो हमको आंसर हमारा मिल जाएगा। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, उसके बाद हमको सेकेंड में फाइंड करना है सी डी एफ ऑफ एक्स, यानी कि सब इंडिविजुअल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी ए का आंसर क्या होगा, वो हमको फाइंड करना है। उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी
कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का कैपिटल के लिए फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग यानी कि जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वन के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जीरो टू एक्स के लिए हमको फंक्शन पता है इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स के लिए ए एक्स डी एक्स, ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो एक्स सेम ही आंसर मिलेगा ए एक्स स्क्वायर बाय टू। ये हमको मिल गया फंक्शन। सेम सभी के लिए हमको फंक्शन फाइंड करना है, या कि सेकेंड वैल्यू के लिए वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टू के लिए फंक्शन फाइंड करना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगी जीरो। इन दोनों के लिए फंक्शन हमको पता है तो लख देंगे जीरो टू वन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन टू एक्स ए डी एक्स, यानी हमको मिल जाएगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू वन ए एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन टू एक्स तक, तो हमको मिलेगा यहाँ पे ए बाय टू प्लस ए एक्स माइनस ए, तो हमको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल गया ए एक्स माइनस ए बाय टू। थर्ड थिंग देखते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलती है। थर्ड हमको फाइंड करना है टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू थ्री के लिए, यानी कि तीनों फंक्शन आएंगे यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स सबसे पहले तो आएगा जीरो वाला फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हमको मिलेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इंटीग्रेशन जीरो टू वन ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन टू टू ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू टू एक्स थ्री ए माइनस ए एक्स डी एक्स, सारे का इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू वन प्लस ए एक्स वन टू टू, उसके बाद आएगा प्लस थ्री ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू एक्स टू टू एक्स, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा थ्री ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस फाइव ए बाय टू। ये तीनों का हमको फंक्शन मिल गया एफ ऑफ एक्स के लिए जो हमको फाइनल में फाइंड करना था।